नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूँ मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है, इस कंपनी को 482.78 करोड़ के दो ऑर्डर मिले हैं। एक ऑर्डर से 383.98 करोड़ का बिरला अर्ना LLP से, और दूसरा ऑर्डर इसे 98.80 करोड़ का इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज से मिला है। इन दोनों ऑर्डर्स में कंस्ट्रक्शन और MEP वर्क फॉर एंटरप्राइजेस कंप्यूटिंग का काम करेगी। ये ऑर्डर ये कंपनी 31 से 39 महीने और 15 महीनों में पूरे करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद कल इसमें 58 रूपये बढ़ गए थे, इसका शेयर 1229 रूपये तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 629 रूपये का था, 1200 का है, एक साल में इसने डबल कर दिया था। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रूपये लगाए होते तो आपके वो 2 लाख रूपये हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये एक इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम करने वाली कंपनी है इंडिया के सभी राज्यों में, और ये कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, पावर प्लांट, हॉस्पिटल्स, होटल्स, IT पार्क्स, मेट्रो स्टेशन एंड डिपोज को बनाने का काम करती है। अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि इस जून क्वार्टर का जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। और आप मेरी ये बात याद रखना कि मैंने आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले बता दिया था कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और उसके बाद आपको इसके शेयर में काफी तेजी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी की टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम सिर्फ 232 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 8041 करोड़, PE रेशो 34.7, ROE 16.4% और डेप्ट टू इक्विटी 0.07 है। इसके MD CEO मिस्टर विक्रमजीत आहलूवालिया है। अब मैं आपको इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। इसमें FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पिछले साल मार्च 2023 में FIIs का स्टेक इसमें 11.50% था, और फिर हर क्वार्टर में बढ़ते हुए FIIs का स्टेक अब बढ़कर मार्च 2024 में 13.32% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 55.32%, म्यूचुअल फंड्स का 25.18%, FIIs का 13.32%, रिटेल का 5.32% और DIIs का 0.86% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है, और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, जिससे कि आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।